Hey, hi guys! This is Anjali और आज हमारा पिथौरागढ़ ट्रिप का डे टू है और आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे. हम माउंटेन चढ़ेंगे. कौन से किधर जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं पंगरोली. पंगरोली, पंगरोली के पहाड़ों पे जा रहे हैं हम ट्रैकिंग करने. हमारा पूरा ग्रुप रेडी है. अभी मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं. कल इवनिंग में बारिश हुई थी और ओले भी गिरे थे, तो मौसम अभी थोड़ा ठंडा है. हल्की धूप निकली हुई है. सब आ गए, आ जाओ फटाफट. यस, वी आर एंजॉयिंग. यस, कम ऑन, कम ऑन, यस, कम ऑन, लेट्स गो, कम फास्ट एवरीवन. हम खेतों के रास्ते से जा रहे हैं जंगलों में और सब खेतों में काम कर रही हैं यहाँ की लेडीज. बहुत मेहनती होती हैं पहाड़ों की औरतें, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं. हमारी ट्रैकिंग का फोटो सेशन चल रहा है रास्ते में. ये हैं तीन भाई, त्रिमूर्ति. त्रिमूर्ति सबसे आगे जा रहा है. दक्ष, सामंत सबसे छोटा, सबसे पीछे. उसके बाद सारे उसको फॉलो कर रहे हैं. दक्षो और सबके केयर टेकर सबसे पीछे. बच्चों चलो मुन्नी कैट स्पॉट. हाँ हाँ ठीक है, और सब ठीक है ना? तो मैं आगे पहुंच गई हूँ, हमारा ग्रुप पीछे रह गया है. कम ऑन फास्ट. कमिंग. यस वी आर कमिंग. आई नॉट. दक्ष और दक्ष इधर से लगा है. ओ माय गॉड, दक्ष बी केयरफुल. ओ माय गॉड, आप इस रास्ते से आए हो? चलो फाइनली दक्ष पहुंचा ऊपर और उसको भी एक डंडा मिला. ऐसे स्टिक पकड़ के चढ़ाई करने में थोड़ा इजी हो जाता है. अभी हम आधे रास्ते पे पहुंचे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ, डंडा मिला, गुड गुड. ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ. जंगलों में, पहाड़ के जंगलों में होते हैं ये चीड़ के पेड़. पूरा का पूरा जंगल इन पेड़ों से भरा होता है और इनके जो पत्ते जो होते हैं ऐसे पतले पतले होते हैं स्टिक के जैसे, और वो सूखने के बाद ऐसे जमीन पे गिर जाते हैं. तो पूरा जंगल में आपको लगेगा कि इनकी चादर सी बिछी हुई है. इनको बोलते हैं पिरूक. और ये थोड़े स्लीपरी से होते हैं. इस पे आप चलेंगे तो आपको ऐसे शूज पहनने हैं जो बिल्कुल जो स्लीपरी ना हो. और इन चीड़ के पेड़ों में से इस तरह के ये फ्रूट्स निकलते हैं. ये फ्रूट्स नहीं है बेसिकली, ये ऐसे कुछ वुडन टाइप का है. इसको हम पहाड़ी में बोलते हैं ठिट. और इसके अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं जिनको स्यूद बोलते हैं. और उनको हम लोग ऐसे जंगलों से बीन बीन के खाते हैं और इतने टेस्टी होते हैं. छोटे छोटे से इनके सीड होते हैं और बहुत सारे लोग इनको ले जाते हैं, इन्हें पेंट करके डेकोरेट करके घर पे रखते हैं. बहुत देखो कितना अच्छा इनका शेप है, ऐसे लग रहा है कि बनाया हुआ है, बट ये नेचुरली ऐसा है. हाँ बेटा, ओके आ रही हूँ. सबकी हालत थोड़ी सी पतली हो गई है, थक गए हैं सब. बिना कुछ खाए भी हैं, स्पीड कम हो गई है. सुबह हम बिना कुछ खाए पिए आए हैं और गर्मी होने लगी है. खाना बना के लाए हैं, ऊपर जंगल में बैठ के खाएंगे. ये हमारा प्लान है आज, पिकनिक एंड ट्रैकिंग मिक्स. गाइस, जब भी आप पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने के लिए आए तो साथ में पानी ज्यादा रखिए, वाटर बॉटल, खाने के लिए कुछ रखिए, सो दैट की एनर्जी की आपको जरूरत पड़ेगी. तो खाना पीना रखिए साथ में, और साथ में गाइड भी चाहिए. और सनस्क्रीन लोशन लगा के आइए अगर आप धूप में आ रहे हैं ट्रैकिंग करने. कहने का मतलब ये है कि अपनी सेफ्टी का, अपने प्रोटेक्शन का और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख के ट्रैकिंग पे आइए. ओह, थोड़ा ऊपर आए हैं हम. वो नीचे जो आपको एक एरिया दिख रहा है वो रोड, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ. ये वाली, इधर से आए हैं हम लोग अभी. और देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहां से. यहाँ पे हम पहुंचे हैं. ये कुछ तो दिख रहा है, बाउंड्री किस चीज की है, ऊपर जाके पता चलेगा. कोई बोल रहा है यहां से रोड स्टार्ट है, कोई गैस कर रहा है कि मंदिर होगा. क्या होगा, क्या होगा, ये तो ऊपर जाके ही पता चलेगा. गैस किया था ये रोड है.
यहाँ से रोड बन रही है, अभी कच्ची रोड है, यहाँ से रोड बनेगी। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पहाड़ों पे रोड बनाना बहुत बहुत एक मुश्किल काम है। मतलब लिटरली आप सोचो, ऐसे पहाड़ होते हैं, उनको काट के पहले प्लेन करना, फिर उस पर रोड बनाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब बहुत हार्ड वर्क तो लगता है, और यहाँ पे आप इतनी मशीनरी भी यूज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि यहाँ के लोगों का सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क होता है यहाँ की रोड बनाने में। तो उनको सैल्यूट है पहाड़ के लोगों को। हमें चलते चलते रास्ते में पहाड़ी फ्रूट होता है, जंगली फ्रूट, किलमोड़े, उनसे उनके वो ये लोग को रास्ते में मिला है और ये तोड़ने में लगे हैं, तो इनसे पूछते हैं। मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता है क्या है? ये है ब्लैक कलर के किलमोड़ा बोलते हैं इसको। देखिए ये पकने के बाद काले होते हैं, वैसे हरे होते हैं, और इसकी जड़ी बूटी है ना। यस, किलमोड़ा बहुत ही विटामिन सी से भरपूर है। ये तो मुझसे भी गया। ये देखिए किलमोड़े कैसे लगे, अभी कच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे छोटे अंगूर का गुच्छा हो, और इसको खाने के बाद टंग ऐसी हो जाती है, अंदर से रेड होते हैं। ये स्कूल है पहाड़ का। हम लोग थोड़ा सा रॉन्ग आ गए एक्स्ट्रा आके, तो हमें पहाड़ में अम्मा मिली है, इन्होंने हमें बताया कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। लकड़ी काट रही है, लकड़ी बिन रही है। हो अम्मा ने भी खाती लाया रिकॉर्डिंग। अब हमें वापस जाना पड़ेगा, चलिए हमारी टीम लास्ट तक जाए। और गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड, हमने जो अपना डेस्टिनेशन सोचा था कि हमें कहाँ तक ट्रैकिंग करनी है और उसकी किस पॉइंट तक जाना है, वहाँ हम आ गए हैं। हरदेव टेम्पल तक हमें आना था ट्रैकिंग करके, और ये देखिए हरदेव टेम्पल है। और ये हमारी टीम यहाँ पे सारे के सारे स्टार्ट हो गए क्रिकेट खेलने में, स्टंप गढ़ चुके हैं, प्लेयर्स रेडी हैं, और बहुत मेहनत के बाद, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद, बहुत ज्यादा फन और एंजॉय के बाद हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। हम लोग घर से खाना बना के लाए हैं, और जंगल में अभी हमारा चल रहा है पराठे, आम का अचार और गुड़। कैसा लग रहा दक्ष? ठंडी लग रही है यहाँ पर आके, हमें ठंड भी फील हो रही है, ठंड लग रही है काफी। गाइज अभी हमने एक बहुत अमेजिंग चीज देखी, हम यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे थे और सामने नजर पड़ी तो सामने है हिमालय पर्वत। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये देखिए आपको दिख रहा है व्हाइट, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये हिमालय पर्वत है। वाव, अभी थोड़े से क्लाउड है इसलिए इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए हिमालय पर्वत, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। अब हम लोग वापस लौट रहे हैं, आधे रास्ते वापस आ गए हैं, और अभी यहाँ पे रुक के हमने डांस किया, धमाल किया, अभी रेस्ट कर रहे हैं, फिर बाकी हमें उधर नीचे तक जाना है। ये बच्चे खेल रहे हैं, चोर छिपाही बादशाह, बच्चों के बड़े पापा, हेलो। ये देखो, तो गाइज आज का अपना ट्रैकिंग वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और जरूर आइए उत्तराखंड, और जब भी उत्तराखंड आएंगे तो ट्रैकिंग पे जरूर आइए। ओके बाय, मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।